इस समय धनिए की पत्ती बहुत सस्ती हुई है और ठेलों पे भर भर के दिख रही है। यहाँ तक कि सब्जी वाले सब्जी लेने पे बहुत सारे धनिए की पत्ती फ्री में दे दे रहे हैं। तो आइए आज उसी धनिए की पत्ती से इस वड़ी को बनाते हैं, जो कि महाराष्ट्र की एक फेमस ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिसे कोथमीर वड़ी कहते हैं। तो जिसे पहले स्टीम किया जाता है, कुछ लोग स्टीम ही पसंद करते हैं खाना, और फिर इसे सेलो फ्राई किया जाता है, जो कि बाहर से फिर क्रंची हो जाता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट बना रहता है। ये थोड़ा खट्टा मीठा तीखा चटपटा मिक्स इसका टेस्ट होता है। और इस रेसिपी को आप बना के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, एक साइड डिश की तरह से भी आप खाने में इसको रख सकते हैं अपने डिनर या लंच में। तो भाई फिर इस खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी ही कर लें, बाद में भूल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए 2 कप भर भर के धनिए की पत्तियाँ ली हैं, जो कि महीन कटी हुई हैं, और उस पर मैंने नमक डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लिया, ताकि जो मॉइस्चर है वो इसमें से रिलीज़ हो जाए। और धनिया को मैंने धुल के और उसका पानी पहले से मैंने निकाल दिया था। तो अभी 5 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 कप भर के उसी कप से मैंने बेसन डाल दिया, और ये 1/4 कप मैंने चावल का आटा डाला, जो कि इसको क्रंची बनाएगा। ये अजवाइन मैंने ले ली 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने पिसी हुई शक्कर डाली, थोड़ी सी हींग डाल दी, और ये तिल है तो 2 टीस्पून मैंने तिल भी, सफ़ेद तिल डाल दिया, और ये लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये मूंगफली और जीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, इसे थोड़ा मोटा मोटा ही पीस के और इसमें डाल दिया मैंने मिक्सचर में। इससे बहुत अच्छा नटी सा फ्लेवर मिलेगा तिल की वजह से और मूंगफली की वजह से। और अभी 1 चम्मच मैंने ये पिसी हुई हरी मिर्च और ये लहसुन ये डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से पूरा मिक्स करते हैं, ताकि चारों तरफ से ये मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। और नमक अभी डाल देते हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक लें अपने। अभी इसमें 2 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है, तो मैंने सरसों का तेल ही लिया है, आप जो भी तेल खाते हो वो तेल लें। और मैंने अभी 1 चम्मच नींबू का रस भी इसमें डाला है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अभी तेल डाले हैं, उसी से ये डो बन जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो यहाँ पे, तो आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून पानी आप डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि धनिए का भी काफ़ी मॉइस्चर था इसमें, और तेल मैंने डाला है 2 टेबल स्पून, तो उससे ये डो की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसे इसको गूंद लेते हैं। तो ये तैयार हो गया है करीब करीब हमारा इस तरह से, और इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। तो आपको जितना अपने पीस के हिसाब से इस तरह से मोटा पतला आप रखें इसे। मैंने 2 इस तरह से लॉग बना लिए हैं इससे। तो अभी मैंने इस पे ऑयल लगा लिया है, पानी गरम करने को रखा था, और जाली पे मैंने जो छन्नी रखी है उस पे मैंने तेल लगा लिया था, और उसी पे इसे रख के और ढक देते हैं। ये 15 मिनट के बाद देखते हैं, टूथपिक से चेक करते हैं, तो टूथपिक क्लीन आ रही है, तो हमारा ये तैयार हो गया है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुका है। हाथ भी देखिए, बिल्कुल ये सूख गया है, ड्राई हो रहा है, हाथ बिल्कुल लग नहीं रहा है। तो अभी ठंडा करने के बाद मैंने इसके स्लाइस काट लिए हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे ही पसंद करते हैं, आपको अगर पसंद हो तो आप इस तरह से स्टीम भी खाएं। और बाकी मैंने तो इसे सेलो फ्राई किया था, तो मैंने तेल पैन में लेके, फ्राइंग पैन में, उसमें थोड़ा सा तिल डाला, और उसी में ये
ट्राई कर लिया। ये वड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। घर में सबको पसंद आएगी ये खट्टी मीठी तीखी सी रेसिपी। तो फिर एक बार फिर अभी लाइक कर दीजिए मेरे इस रेसिपी के लिए, मेरे इस वीडियो को, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं उन्हें भी चेक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तो देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी।